नसीहत या शिक्षा देने की मुझे लगता कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और मैं रोहित जी क्यों भी कहना चाहता हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, बस दिन 11 दूर है और आप यहाँ के विधायक घोषित होने वाले हैं। 11वें दिन आप इस इलाके के विधायक होंगे, इसलिए जो शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा का काउंसिल चैम्बर है वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है, तीसरी दफा इंतजार कर रहा है, और मुकेश अग्निहोत्री विधायक दल का नेता आपको लेने आया है, आपको लेने आया है। करो, यहां पे आपके पास जो वोट बैंक है वो ऐसे लोग नहीं है जो हवा के झोंके के साथ बह जाएंगे। अभी यहां आपके साथी कह रहे थे कि जी सेब का निशान मिल गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई, सेब वाले बीजेपी वालों को जानते नहीं है, इस विचारधारा को जानते नहीं है। क्या वो समय भूल गए जब बकेटी में सवेरे 4 बजे डंडे पड़े थे? क्या अगले जो नवंबर या अक्टूबर में ये हो रहा होगा कि रोहित ठाकुर ने चौका लगा दिया, ऐसी खबरें आ रही होंगी हर तरफ से। तो इसलिए, और आपको ये भी पता है कि चौका लगाने के बाद क्या होता है, आपको मालूम है, ये जनता है सब जानती, बहुत वरिष्ठता है आपकी, बहुत और बहुत मेहनती। मेरा इनसे कोई राजनीति का रिश्ता नहीं है, मेरा इनसे पारिवारिक रिश्ता है। इनको जब भी कोई कष्ट होता है ये मुझे सीधे फोन करते हैं, और मैं भी इनसे दुख सुख बांटता रहता हूं, क्योंकि राजनीति में दुख सुख चलते हैं। तो इसलिए ये तो मुख्यमंत्री जी आए हैं, इनका हालत तो ये हो गया मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं।